नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। पिपराइच थाना क्षेत्र में महिला से चपटा मार कर चैन व टप्स लूटने के आरोप में पुलिस ने बदमाश और सामान खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान जंगल दूसरण निवासी हिस्ट्री शीटर झीनक और औराही निवासी महेश चंद्र के रूप में हुई है। उनके पास से बेचे गए जेवरात में 20,000 रुपये बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों के बारे में पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि 2 जुलाई की शाम को कुशीनगर के टिकर निवासी प्रवीण मणि त्रिपाठी अपनी पत्नी प्रिया व बच्चे के साथ बाइक से गोरखपुर इलाज के लिए आए थे। शाम में गोरखपुर से कुसमी बाजार पिपराइच होते हुए घर जा रहे थे। मुंडेरी के पास पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने गले से सोने की चैन व कान की बाली लूट ली। वारदात के दौरान पत्नी व बच्चा बाइक से गिरकर घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने पिपराइच से अहिरौली बाजार तक सीसीटीवी खंगाला तो एक लुटेरे की पहचान झीनक के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि जेवर को उसने पिपराइच में सोने चांदी के दुकानदार महेश को बेचा है। इसके बाद पुलिस ने सुनार महेश को भी गिरफ्तार कर लिया। महेश ने जेवरात को गला दिया था, वहीं झीनक से बिक्री के पैसे बरामद हुए थे। झीनक पर लूट गैंगस्टर सहित 10 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, दिनांक 2 जुलाई को एक प्रिया त्रिपाठी नामक महिला से चेन स्नैचिंग की घटना पिपराइच थाना के अंतर्गत हुई थी, जिसमें कि थानाध्यक्ष पिपराइच द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसका अनावरण किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति झीनक व महेश इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जो कि चेन को बेचने के फलस्वरूप उसको प्राप्त हुए थे। इस संबंध में इनसे और पूछताछ की जा रही है। कोई और अगर घटना इनके द्वारा की गई होगी तो उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महेश को चेन बेचा था, झीनक द्वारा महेश को चैन बेची गई थी, जो महेश को भी गिरफ्तार किया गया। महेश दुकान है इसका, सोने चांदी का सुना। पहले नहीं किसी मामले में, दोनों का आपराधिक इतिहास तलाश किया जा रहा है।